नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीडी न्यूज़ पर। आप हैं अपर्णा के साथ आईडीडी न्यूज़ पर। आज के समाचारों में विश्वकर्मा पूजा की तैयारी नगर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली, हमारी विशेष रिपोर्ट। टाटा नगर स्टेशन पर शुक्रवार से स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। बिष्टुपुर में बेटर अर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की एक दिवसीय फिल्म स्क्रीनिंग रखी गई है। इन समाचारों पर चर्चा विस्तार से, पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहे संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे थे। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अतिरिक्त पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं की बातचीत का एजेंडा व्यापार और राजनीति होगा। अब समाचार बोकारो से। कल है विश्वकर्मा पूजा। देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के शस्त्र, भवन, मंदिर आदि का निर्माण किया था। इसीलिए इस दिन निर्माण कार्य से जुड़े संस्थान, कारखाने और दुकान के मालिक अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड राज्यों में व्यापक रूप से मनाई जाती है। झारखंड के 2 मुख्य नगर बोकारो और जमशेदपुर इस्पात नगरी होने के कारण भगवान विश्वकर्मा की पूजा यहां पर बहुत ही धूमधाम से की जाती है। कोरोना काल के कठिन समय के बाद अब मूर्तिकारों में भी अत्यधिक उल्लास और प्रसन्नता देखने को मिल रही है। हमने नगर के कुछ मूर्तिकारों से भी बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम राजकुमार है, दुंदी बाजार प्रजापति मूर्ति कला केंद्र, मेरा दुकान है 12 मोड़ में। कितनी मूर्तियां इस बार बनाई होंगी? मूर्ति देखिए एस्टिमेट के अनुसार कम ही बना था, क्योंकि अभी अंदाज़ा नहीं लग पाया था कि प्लांट में मूर्ति बैठेगी नहीं बैठेगी। ये 4-5 तारीख के बाद पूरा कंफर्म हो पाया कि बैठ जाएगी। अचानक कस्टमर काफ़ी ज़्यादा हो गए, लेकिन मूर्ति उतना नहीं बन पाया था, इससे लोगों को परेशानी हो रही थी और बहुत सारे कस्टमर घूम भी गए। बुकिंग टोटल हो चुका था। अच्छा, मतलब जितना बुकिंग हो चुका था उतना, उससे ज़्यादा बुकिंग हो रहा है? नहीं, बुकिंग कंप्लीट था 4 दिन पहले ही। अच्छा। और उसके बाद 4 दिन से कस्टमर घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कहीं से मिल जाए ये सोच रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा की तैयारी कब से शुरू हुई? विश्वकर्मा पूजा की तैयारी इसी मतलब करीब पिछले मंथ से, लास्ट 25 के बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन काम जो है रफ्तार पकड़ा गणेश पूजा बाद 31 तारीख के बाद से, 1 तारीख से काम स्टार्ट हो गया था फास्ट थोड़ा। लगभग कितनी मूर्तियां बनी होंगी? 50 बनाए थे हम। 50 कंप्लीट है। एक बाहर जो हमने बड़ी मूर्ति दिखी है, हाँ, आपके यहाँ की बनी है? हाँ, ये वाला ये है, यहाँ का परमानेंट जाता ही मेरा यहीं से, सेक्टर 3 पानी टंकी के पास। कोरोना काल का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि पहले जो मूर्ति बनती थी करीब 100 पीस बनती थी, लेकिन कोरोना काल से प्रभावित होकर 15-20-25 ऐसे ही मूर्ति जाने लगा, कि कोरोना में उतना मूर्ति चला नहीं, प्लांट में भी बैठने नहीं लगा, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ हम लोग का भी और मजदूर लोग भी बैठ गए थे। लेकिन इस साल से काफ़ी रफ्तार बढ़ गई है। अब मैंने खुशी आ गई। हाँ, वो जो रफ्तार था वो आ गई और अच्छा होगा कि अब ये कंटिन्यू आप चलता रहे। उस साल कोरोना के बाद इन साल तो कुछ ठीक रहा सर, पिछले साल तो ना के बराबर 10-20-25 को भर बिक्री हुई थी। इन साल तो 60-70-80 को मूर्ति भर बनाए थे। अच्छा। और सब बिक गया। अच्छा। ना प्लांट में भी डिसीजन लेट से हुआ कि हाँ, अब मूर्ति ना डिसीजन तो प्लांट से तो पहले ही डिसीजन हुआ था कि इंसान मूर्ति बैठेगा, है ना, तब हम लोग जोर शोर से बनना स्टार्ट किया। कितना समय लगा आपको? हम लोग का 1.5 महीना समय लग गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरजुन नाम है, सरजुन पंडित। 35 साल हो गया सर जी। हाँ, मूर्ति बना। और किन मूर्तियों को बनाते हैं? हर चीज़ का मूर्ति बनाते हैं। हर राउंडर मिस्त्री एकदम ऑलराउंडर। मूर्तियों में देख रहे हैं 2 तरह का, एक सिर्फ मूछ वाले विश्वकर्मा जी, एक दाढ़ी मूछ वाले विश्वकर्मा जी, इसका क्या कारण है और क्या लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं? ज़्यादा इंसान तो बूढ़ा के विश्वकर्मा जी का डिसीजन है। अच्छा। मतलब उन्हीं का 2 रूप है, एक बूढ़ा एक जवान, एक कोई अपना अपना, यंग लोग रखते हैं तो यंग अपना सोचते हैं कि अपना जवान में है तो जवान यंग को रखें, नहीं तो बूढ़ा ज़्यादा डिमांड, बूढ़ा बाबा क्या डिमांड। विश्वकर्मा पूजा को देखते हुए बोकारो के नया मोड़ उत्सव के उल्लास में रंगा हुआ दिखा।
विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने गाड़ियों को लोग तरह तरह के सजावटी सामानों से सजाते हैं, वो चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो या अन्य कोई भी वाहन। नया मोड़ उन बड़े वाहनों का आरामगाह है, बड़े वाहन वहाँ पर रुकते हैं, उनके सर्विसिंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी कारण हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से लोग सामानों की बिक्री करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उत्तर प्रदेश से आए लोगों से जब हमने बात की तो उन रंग बिरंगी सजावटी सामानों का रंग तो उत्कृष्ट दिखा ही, पर उनकी कमाई का रंग इस वर्ष थोड़ा फीका पड़ गया है, ऐसा उन्होंने बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दीपावली के बाहर है, आइए आइए, बस यही गाड़ी सजाने के लिए है। चोटी है, गोना है, फूल है, स्टीकर है, विश्वकर्मा भगवान है, हर साल यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यूपी सुल्तानपुर से। कितने दिन पहले आए आप लोग? इस साल तो सर एकदम मंडी खराब है, कुछ नहीं है सर, पैसा नहीं हो रहा है, मेरा पूरा माल बच के जाएगा, एकदम बेकार चल रहा है सब। सर अगर माल बिक जाता हम लोग को तो पैसा मिल जाए, चले जाते हम लोग घर, नहीं तो भाड़े के वांदा हो जाएंगे हम लोग, भूखा मर जाएंगे समझ लीजिए। तो आप पूरा परिवार यहाँ आए हैं? पूजी लगा के आए हैं, पूजी आपकी समझ लीजिए हम लोग तो डूब गया, हम लोग खा नहीं पा रहे, पूजी कहाँ पे छोड़ेंगे। हम लोग भूख भी खाए हैं, बुखारों नया मोड़ में धंधा के लिए दो दिन रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, जिसको खरीदना हो आकर खरीद। हमारा नाम मोहम्मद। आपका नाम? जिलानी। आप ये खरीदारी किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं? ये गाड़ी के लिए खरीद रहे हैं। क्या गाड़ी है आपकी? हमारी 22 चक्का किट है। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं आपको उसका कीमत कैसा लग रहा है? सस्ता है, महंगा है, क्या है? मार्केट से तो सस्ता है। सस्ता है, और क्योंकि ये अलग चीज़ है, प्राइस तो ज़्यादा ही बोलते हैं, तो बार्गेनिंग करनी पड़ती है। बाहर से आए हुए हैं और जगह जगह अपना कैंप लगा के बेच रहे हैं, हर जगह है, हर मोड़ पे जहाँ गाड़ियाँ घोड़ा ज़्यादा चलती है उस मोड़ पे गाड़ियाँ ये लगाते हैं अपना कैंप। और उसके बाद अपना क्वालिटी कैसी लग रही है? आप अगर अपनी गाड़ी के लिए ले रहे हैं तो आपने जो पसंद किया है कैसी क्वालिटी है? ठीक है, अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। ये तो बहुत ही रेयर केस में मिलता है, ये इन लोग आते हैं तो बेचते हैं। अच्छा, ये यहाँ नहीं मिलता है, इन लोग के आने के बाद ही ये मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश। राजभाषा हिंदी के प्रति बच्चों में अपनत्व का भाव विकसित करने के उद्देश्य से बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसे स्मरणीय बनाने के लिए शुक्रवार को विद्यालय के वार्षिक हिंदी पत्रिका स्वरा का विमोचन किया गया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। प्राचार्य A.S. गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है, हमें हिंदी भाषी होने पर गर्व का अनुभव करना चाहिए। अब समाचार जमशेदपुर से। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को बच्चों में वृद्धि निगरानी और पोषण परामर्श पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण किया गया। एकजुट संस्था द्वारा सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का उन्मुखीकरण किया जा रहा है। चर्चा के दौरान सेविकाओं को बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई कैसे सही तरीके से लेना है इसे बताया गया। इसके अलावा पोषण परामर्श पर भी प्रकाश डाला गया। सभी सेविकाओं को बच्चों की कैसे ग्रोथ मैपिंग करनी है ये भी बताया गया। विदित हो कि एकजुट संस्था द्वारा झारखंड के धनबाद, कोडरमा, गढ़वा, गोड्डा और रांची में भी सेविकाओं को पहले इसी प्रकार का उन्मुखीकरण किया गया है। सेविकाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी को जोहार, मेरा नाम पर्वती हस्ता, मेरा केंद्र का नाम चितबिल आदिवासी टोला, सेक्टर 9 से आई हूँ। आज हम लोग को वृद्धि निगरानी के संबंध में एकजुट संस्था के माध्यम से हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण में बच्चों को वजन का हिसाब से, उम्र का हिसाब से वजन, लंबाई, ऊंचाई ट्रेनिंग दिया गया है। और इस ट्रेनिंग में हम लोग को ग्रोथ प्लॉटिंग करना, परामर्श देना और बच्चों को सही मॉनिटरिंग करना हम लोग को सिखाया गया है। टाटा नगर स्टेशन पर शुक्रवार से स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। स्टेशन पोर्टिको में वाणिज्य उपाधीक्षक अर्पिता मायती ने महिला सफाई कर्मियों की मदद से अभियान चलाया। वहीं स्टेशन निदेशक रघुवंश कुमार के नेतृत्व में रेल कर्मियों ने स्वच्छता की शपथ ली। टाटा नगर स्टेशन किताडी रोड स्थित RPF की महिला बैरक में 19 सितम्बर को रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट द्वारा सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाएगी।
ताकि आपात स्थिति में महिला जवानों को दिक्कत ना हो। इसके साथ ही 19 सितंबर सोमवार को स्टेशन सभागार में महिला जवानों और रेल कर्मचारियों के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन होगा। जमशेदपुर में गोल पहाड़ी के गायत्री शक्तिपीठ में निःशुल्क किया जा रहा है श्राद्ध तर्पण संस्कार। यह 11 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान रोज सुबह 8 से 9 बजे तक गायत्री शक्तिपीठ में संस्कार कराया जाता है। महिलाएं भी पितरों के श्राद्ध के लिए जा सकती हैं, क्योंकि गायत्री परिवार महिलाओं को भी यह अधिकार देता है। जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं हेमोग्लोबिन जांच शिविर लगेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। उन्होंने प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को आदेश दिया कि महिला डॉक्टर व कर्मचारियों की टीम बनाकर कस्तूरबा विद्यालयों में छात्राओं की स्वास्थ्य जांच को नियमित शिविर लगाएं। जानकारी के अनुसार बीते दिनों सुंदरनगर स्थित कस्तूरबा विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से छात्राएं बीमार हुई थी। जमशेदपुर की युवा संस्था के तत्वाधान में 17 सितंबर को तुलसी भवन बिष्टुपुर में बेटर अर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की एक दिवसीय फिल्म स्क्रीनिंग की जा रही है। स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग लेने के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन के 35 बच्चे साक्षी गए हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी ने बताया कि किसी भी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए स्काउट की ट्रेनिंग लेना काफ़ी खर्चीला होता है। जब प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान के प्रशिक्षण की खबर सुनी तब से ही इच्छा थी कि मेरे विद्यालय के बच्चे भी उसमें शामिल हों। खर्चीला होने के कारण ऐसा लग रहा था कि शायद इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन सामाजिक संस्था यंग इंडियंस के साथियों के सहयोग से बच्चों को स्काउट प्रशिक्षण में भेजने की इच्छा पूरी हो रही है। अब बात बोकारो और जमशेदपुर के मौसम की। आज शुक्रवार बोकारो में सुबह की शुरुआत आसमान में बादल छाए रहने के साथ हुई और शाम होते होते लोगों ने कभी धूप तो कभी छांव का आनंद लिया। बोकारो में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात करें जमशेदपुर के मौसम की, तो जमशेदपुर और बोकारो के मौसम में ज़्यादा अंतर नहीं दिखा। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में भी आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो और जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।